रीच इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ। बोलो, एक बॉडी को मैंने फेंक दिया यार, बहुत ऊपर फेंक दिया, इतना ऊपर फेंक दिया कि अर्थ की रेडियस से बराबर 6400 किलोमीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली, वहां तक पहुंच गया। पावर डिनिबल बाय द ग्रेविटी ग्रेटेस्ट। अब जो ग्रेविटी लग रही है, समझना, मतलब यार एक आदमी सुपरमैन है और वो यहां से इसको फेंका, ठीक है, और नॉर्मल आदमी तो फेंकेगा नहीं कि भाई 6400 किलोमीटर चला जाए, इंसान तो होगा ही नहीं यार, ठीक है कोई इंसान इस धरती पे, ऐसा तो नहीं यार, एलियन ओलियन होगा कोई, यहां से फेंक दिया और ये 6400 किलोमीटर चला गया। अब चला गया तो वापस भी आएगा, ठीक है, ये वापस आएगा। अब जब वापस आएगा तो ये कहता है इस पूरी जर्नी में एक बार फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी यू से, और आपको पता है जितने से फेंका जाएगा उतना ही से हीट कटता है एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है। तो जस्ट बिफोर द, तो उस समय जो ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी का पावर मैक्सिमम कब होगा? अब ग्रेविटी का पावर मैक्सिमम कब होगा, पावर होता क्या चीज है वो पहले डिफाइन कर ले। पावर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एफ डॉट बी, इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो एफ डॉट बी। तो फोर्स ग्रेविटी लग रही है और वी कॉस थीटा, ग्रेविटी का फोर्स हो गया एम जी, ग्रेविटी का फोर्स हो गया एम जी और वी। अब कॉस थीटा डिसाइड करेगा कि पावर कब मैक्सिमम होगा। जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तभी पावर डिलीवर मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा? कॉस थीटा मैक्सिमम होगा जब ग्रेविटी भी नीचे लगेगी, वेलोसिटी भी नीचे होगी, ग्रेविटी एम जी, एम जी तो हमेशा नीचे लग रहा है, जब वो वापस आएगा उसी वक्त वेलोसिटी नीचे होगी, उस वक्त थीटा दोनों के बीच जीरो होगा, तो पावर डिलीवर मैक्सिमम होगा। मतलब ये हुआ एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हीट द अर्थ, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन सही है। एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पोजीशन पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यार, पावर जीरो हो गया, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बिल्कुल गलत बात है। जब आप इतनी ऊपर फेंक दिए हो, जी वेरी कर रहा है तो पावर वेरिएबल है, ठीक है। एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, जब प्रोजेक्ट करोगे तो थीटा 180 आ जाएगा, ठीक है, ये भी गलत है।